अब आपका लास्ट टॉपिक यूनिट 3 में बचा है एक्स्ट्रा वैस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन, जो मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देती हूँ। इसमें ज़्यादातर पार्ट आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। जो हमने सी और टी के बीच का पहले प्लॉट कराया था प्लाज्मा कंसेंट्रेशन टाइम, एग्जैक्टली वही प्लॉट आया है। इसमें जो इनिशियल फेज़ है, जब तक सी मैक्स अचीव नहीं होता, दैट इज़ नोन एज एब्जॉर्प्शन फेज़। जो आपकी सी मैक्स आ गई, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन रेट विल बी इक्वल टू द एलिमिनेशन रेट। ठीक, इसके बाद नीचे एलिमिनेशन फेज आ रही है, दैट मीन्स या उसको एलिमिनेशन, दिस इज पोस्ट एब्जॉर्प्शन फेज, एंड लास्ट में एलिमिनेशन फेज होकर ड्रग निकल जाएगी बॉडी से। अब इनके स्टेप्स देखिए, एक मैंने लिखा ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, एक पोस्ट एब्जॉर्प्शन और एक सी मैक्स पर, मतलब एक ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, एक पोस्ट एब्जॉर्प्शन और एक सी मैक्स। ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन देखिए क्या लिखा, हम जो नॉर्मल लिखते हैं dx बाई dt, इधर हमने एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर लिखा, उधर जो हम नॉर्मली पहले लिखते आ रहे हैं एलिमिनेशन वाला। जब एब्जॉर्प्शन फेज होगा तो एलिमिनेशन कम होगा, एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट ज़्यादा होगा, दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन एलिमिनेशन पार्ट। ठीक, पोस्ट एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, पोस्ट एब्जॉर्प्शन मतलब बाद का पार्ट, इसमें एब्जॉर्प्शन वाली फेज कम हो जाएगी और एलिमिनेशन वाली फेज ज़्यादा होगी। देखिए वही चीज़ है, एलिमिनेशन वाला पार्ट ज़्यादा है, एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट कम हो गया। सी मैक्स पे लिखा हुआ है ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू एलिमिनेशन, हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया, ये आती है जीरो। अब इसके बाद आता है ये जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर मॉडल होते हैं। जीरो ऑर्डर में एग्जैक्टली वही है जैसे हमने इन्फ्यूजन में किया था, आर जीरो और के ई वाला। अब आते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर मॉडल में। फर्स्ट ऑर्डर मॉडल इन द सेंस, ये रहा ब्लड, जो इनपुट है वो भी फर्स्ट ऑर्डर और जो आउटपुट है वो भी फर्स्ट ऑर्डर। अब हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया इसमें, के ई। के ई क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन रेट कॉन्स्टेंट। के ई क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन रेट कॉन्स्टेंट। हमने डी एक्स बाई डी टी किया, रेट इन माइनस रेट आउट। रेट इन मतलब के ए एक्स है, या के ए एक्स है क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर था, यहाँ पे के ई एक्स। अब ए क्या है, ये अमाउंट रिमेनिंग टू बी एब्जॉर्ब्ड है। जब हम इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो इक्वेशन ये आती है। ठीक है, यदि हम इसको एक्स के टर्म में ना लिखे, सी के टर्म्स में लिखना चाहें, तो हमें पता है एक्स इज इक्वल टू बी डी सी, तो हमने सी के टर्म में लिखा तो वी डी नीचे डिवाइड कर दिया, ये रहा सी, तो हमने वी डी में नीचे से डिवाइड कर दिया, तो सेम इक्वेशन में वी डी नीचे आ गया, बाकी रिमेनिंग इक्वेशन सेम रही। अब यहाँ पे ये एफ पार्ट क्या आया भाई, जब हम एलिमिनेशन ये लेते हैं आपका एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर एब्जॉर्प्शन, उसमें 100% एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ये तो हमने सिर्फ देखा था कि पेरेंटल ड्रग्स में होता है। इसका मतलब कुछ पार्ट होता होगा एब्जॉर्ब, दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब सिस्टमिकली इज एफ। अब इस इक्वेशन का यदि हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो यहाँ पे आ गया डी सी बाई डी टी, इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन आ गया आपका ये पार्ट। ठीक, डिफ्रेंशिएशन करने पर हमारी ये इक्वेशन आ गई थी। अब यदि हमारा सी मैक्स है, सी मैक्स मतलब रेट ऑफ चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ द ड्रग विल बी जीरो, वो चेंज ही नहीं है कंसेंट्रेशन का, दैट मीन्स दिस इक्वेशन बिकम जीरो। ये वाला पार्ट भी जीरो हो गया क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में था, ये सारा एंटायर पार्ट जीरो हो गया। नाउ दिस विल बी इक्वल टू दिस, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये लिख दिया मैंने दोनों बराबर। ठीक, ये वाली इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन का हमने लिया लॉग, लॉग हम पहले भी ले चुके हैं, इसका क्या हो गया लॉग के ई, ये रहा लॉग के ई माइनस के ई अपॉन 2.303, ऐसे इधर का भी लॉग ले लिया। ठीक है, इसके बाद इनको सिस्टमेटिकली लिखा, हमारी ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, मतलब के ए और के ई वाले टर्म एक साथ लिखे, ये वाले टर्म्स एक साथ लिखे, इसी से हमने निकाल दिया टी मैक्स की इक्वेशन। अब इम्पॉर्टेंट, अब इसके बाद आता है, नाउ वी कम टू द मेथड ऑफ रेसिड्यूअल्स। ठीक है, ये भी कई बार ऐसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मेथड ऑफ रेसिड्यूअल, तो उसमें आप इसी इक्वेशन से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरी इक्वेशन शुरू की डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हमारी इक्वेशन आई थी सी वाली। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, ये पूरा टर्म हटा के इसकी जगह मैंने ए लिख दिया, ए इज़ अ हाइब्रिड कॉन्स्टेंट, छोटा कर दिया इस इक्वेशन को। अब इस इक्वेशन में मैं ए इंट्रोड्यूस कर दूंगी, दैट इज सी इज इक्वल टू ए दिस थिंग। अब आपकी इक्वेशन ये बन गई, सी इज इक्वल टू ए दिस दिस दिस, अंदर मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, अब हमने क्या किया, ड्यूरिंग एलिमिनेशन फेज वी से दैट, हमने माना एलिमिनेशन फेज में हमने एक और नया टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, सी की पावर सी इनवर्स में। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रापोलेटेड, बैकपोलेटेड है ये, तो हमारा ये वाला टर्म आया क्योंकि एलिमिनेशन फेज है, ये स्मॉल ए वाला टर्म तो आएगा नहीं एब्जॉर्प्शन वाला, सिर्फ के ई वाला टर्म आएगा, ये वाला आ गया। अब यदि देखो इस वाली चीज़ को मैं यहाँ रिप्लेस कर दूँ, इस के ई टी की जगह मैं ये सी बार लिख दूँ, तो क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू सी बार, और ये वाली चीज़ देखो ये आ गई। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब इससे हमारी एक फाइनली इक्वेशन आ गई, सी बार माइनस सी को मैंने लिख दिया सी टो, सी टो अब आपका ये आ गया। आप करके देखना इसको सॉल्व, सी टू सिंपल, इसकी सी बार माइनस सी की जगह आप इसको रिप्लेस करना, तो आपकी ये इक्वेशन कट जाएगी और आपका ये आ जाएगा।
ठीक है, इसका लॉग लेने पर हमारा ये आ गया। अब यदि मैं लॉग सी टी और इस टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करूँ तो दिस विल बी द स्लोप के ए अपॉन। इस तरह से हम मेथड ऑफ रेसिड्यूबल से के ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। और ये वाली चीज़ क्या आ गई आपकी, इंटरसेप्ट। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ ये भी पूछा जाता है, इवन मैंने अपने टेस्ट के क्वेश्चन में भी दे रखा है, फ्लिप फ्लॉप फिनोमेना क्या होता है। फ्लिप फ्लॉप फिनोमेना इज जो अभी हमने, मैं अभी पेज आपको पीछे पलट के दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपका जो ये के अपॉन के ई है, इसकी वैल्यू इन जनरल ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होती है। के अपॉन के ई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होती है, ठीक है। जब ये वाली वैल्यू होती है तो टर्मिनल स्लोप जो होता है, जो बात का स्लोप होता है, वो के ई देता है वैल्यू, जो अभी तक हम देखते आ रहे थे। बट यदि इसकी वैल्यू रिवर्स कर दें, मतलब के ई ऊपर और के ए नीचे, देन इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है, तब टर्मिनल स्लोप जो है वो के ई नहीं देता। समझ आया? के ए अपॉन के ई यदि 3 से ज़्यादा है तो हमारी वैल्यू के ई आ रही है। इसको हम यदि रिवर्स कर दे रहे हैं तो के ई की वैल्यू नहीं निकलती। इसका मतलब जो हमारे लाइन के स्लोप हैं, यदि हम उनको इंटरचेंज कर दे रहे हैं तो उसका मीनिंग ही बदल जा रहा है। ये लिखा, देन दिस मीन्स देन द टर्मिनल स्लोप गिव्स के ए नॉट के ई। मतलब जब ये वाला इंडिकेशन है तो के ई निकल रहा है, जब ये वाला इंडिकेशन है तो के ई निकल रहा है। मतलब एक ही स्लोप को हम के ए के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और के ई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब दिस मैथड इज़ नोन एज फ्लिप फ्लॉप फिनोमिना। फ्लिप फ्लॉप मतलब हमने यदि उसका पैटर्न चेंज कर दिया तो वैल्यू भी बदल गई। बस दिस इज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन।